मैं तंग आ गई ऐसे जीने से। नकाब नकाब, जब देखो नकाब, मालूम होता है मैं इंसान नहीं जानवर हूँ, जैसे हर वक्त जंजीरों में बंधा रहना चाहिए। बेटी, तुम खूब अच्छी तरह जानती हो तुम्हें हर वक्त नकाब में क्यों रखा जाता है। जानबूझकर ये बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा चेहरा शहजादी से मिलता हुआ है, मैं नहीं चाहता दुश्मन को इसकी खबर लगे और वो इस चीज से नाजायज फायदा उठाएं और तुम उनकी इस साजिश का शिकार बन जाओ। मगर अब्बा जान, क्या मेरी आजादी कोई चीज नहीं? अगर तुम्हारी आजादी से तुम्हारी जान को खतरा हो और रियाया को नुकसान पहुंचे तो इस कैद को मैं उस आजादी से बेहतर समझता। मगर मैं इस तरह अब और कैद में नहीं रह सकती। आजादी चाहती हो तो दुआ मांगो, जिल्ले सुभानी खैरियत से वापस आ जाएं और वो तख्त पर जलवा अफरोज हो, उनके दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं और रियाया रियाया फिर से खुशहाल हो जाए।
क्या तुम लोगों ने ऐलान नहीं सुना? ये जानते हुए भी कि सुल्तान की रिहाई के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है और तुम लोग नाच गाने में रुपया बर्बाद कर रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए ये बाजार नहीं सराय है, यहाँ पूछ कर अंदर आना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? खलीफा हारून या बनने की सराय का मालिक? चाहे जो समझ लो, मगर इस तरह अंदर आकर पैसे मांगने का मतलब ये है कि रियाया अपने घर में भी आराम से नहीं बैठ सकती। अजी मेरा तो ख्याल है कि आराम से खड़ी भी नहीं रह सकती। ये लंतरानी बंद करो वरना हमेशा के लिए जबान बंद कर दूंगा। तुम ही कातिल, तुम ही मुनसिफ, तुम ही शाहिद ठहरे। अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर? मुझे सराय के अंदर से फसाद की बू आ रही है। ऐसा वहां होता है जहां बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाए। कूड़ा करकट में हुजूर ने अगर अपना भी शुमार किया है तो गलत नहीं किया। वो भी इसीलिए आ रही है कि आप यहां मौजूद हैं। आवाज इतनी दिलकश है तो चेहरा कितना खूबसूरत होगा। तुम्हारी सूरत देखकर लोग ज्यादा रुपया देंगे, सबको तुम्हारा दीदार करना चाहिए। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया हम इसे अपनी इज्जत पर हमला समझेंगे, हम अपनी जान तक दे देंगे। तो ये अरमान भी तुम्हारा पूरा कर दिया जाएगा। जान लेकर आए हैं अपनी हथेली पर यहाँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हाय मामूली आदमी, सिपह सालार जाबिर के ताकत से टकराने की जरूरत करते हो? ढाई नहीं, 3.5 को। लड़कियों की आबरू मोती की आब होती है, इसे बचाना हर आदमी का फर्ज है। गिरफ्तार कर लेना। Thank you.
और भक्तियाँ वो किसी और को दे, यहाँ खलीफा हारून की हुकूमत चलती है। अजनबी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुश्किल के वक्त जान पर खेलकर तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। मैं इस हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी यादगार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुजुर्ग बारा कौन कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं वजीर आला? नहीं बरकरदार। खान मुस्तफा। मुस्तफा, अरे कैसे पहचानता। इतने से थे तुम जब अपने अब्बा के साथ तालीम हासिल करने बगदाद चले गए थे, इतने बरसों के बाद तो मिले हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर, बिल्कुल अपने वालिद का नक्शा हो। अरे बेटे, तुम्हारे आने की खबर तो कुछ दिन बाद की थी। रियासत में दाखिल होने से पहले खुफिया तौर से आपसे मिलना जरूरी था। क्या हाल है रियासत? जाबिर को लालच ने अंधा कर दिया है। पहले उसने सुल्तान को लापता कर दिया और फिर कहीं ले जाकर उनको कत्ल कर दिया। रिया पर तरह तरह के जुल्म करता रहता है। रिया को धोखा दे रखा है कि सुल्तान दुश्मन की कैद में है और उनकी रिहाई के बहाने लोगों से रुपया इकट्ठा करता रहता है। हमारी होने वाली बेगम शहजादी कुछ नहीं कहती? वो बेचारी बहुत भोली है, उसकी चालों को नहीं समझती और वो बदमाश उनसे शादी करके तख्त पे कब्जा करना चाहता। मैं जाबिर को जिंदा दफन कर दूंगा। वो बहुत ताकतवर है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। रियासत की पूरी फौज उसके कब्जे में है, इसलिए अकल से काम लेना चाहिए। एक बार बहुत साल पहले रियासत पर ऐसा ही वक्त आन पड़ा था। उस वक्त आपके अब्बा मरहूम ने जंगारू बनकर रियासत को तबाही से बचाया था। सिंगारो? वजीर आला, मैं आपका मतलब समझ गया। खान मुस्तफा सिपह सालार जाबिर के सामने अब एक नए रूप में आएगा। आप दुआ कीजिए कि मुझे कामयाबी हासिल। आमीन। खुदा हाफिज। अल्लाहुल आलमीन इस नौजवान के बाजुओं में कुव्वत हैदरी पैदा कर। किसकी सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं वजीर आला? आला हजरत की, शहजादी की, इस रियासत की। ये सब नाम इसी आदमी के हैं जो अभी अभी यहाँ से गया है। कौन था ये? तुम्हारे नशे का अवतार। बूढ़े, मालूम होता है तुम्हारी अक्ल खराब हो गई है। हम जानते हैं तुम्हारे महल में क्या क्या होता रहता है। हमारे खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, जहर उगला जाता है। अगर ऐसी ही बात है तो मुझ पे मुकदमा चलाओ, सबके सामने मेरे गुनाह गिनवाओ। रियाया को मालूम हो जाएगा कि तुम सच कहते हो या मैं। इस काम के लिए राया को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। कर सकते हो, लेकिन याद रखो तुम खून के दरिया से गुजर कर तख्त शाही तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कश्ती मंझधार में डूब जाएगी। खंजर की जुबान खामोश रहेगी, लेकिन आज दिन का लहू पुकारेगा और तुम इस लहू की सुर्खी में जल कर रह जाओ। बुजुर्ग वारम, मैं आपकी शराफत और पाकबाजी की कसम खाकर वादा करता हूं, ये तलवार उस वक्त तक म्यान में वापस नहीं जाएगी जब इस अजीम मकसद में मैं कामयाब ना हो जाऊं जिसके लिए आपने अपनी जान दी है। इस अजीम शान सल्तनत का सिपे सालार होने की हैसियत से आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं। सुल्तान की रिहाई के लिए रैया ने जिस फराख दिली का सबूत दिया है, माल और जर और हर तरह की माली इमदाद की है, मुझे यकीन है कि उससे हमारी शहजादी बहुत मुतासिर हुई हूँ। खुदा वंदे करीम की रहमत और मैं खुद आप सबका तहे दिल से मशकूर।
بادشاہ، فقیروں کے فقیر خلیفہ ہارون کی طرف سے شہزادی صاحبہ کی خدمت میں یہ تحفہ قبول ہو۔ فقیروں کے فقیر، جن کا ہاتھ خود دوسروں کے سامنے پھیلا رہتا ہے، انہیں نظرانہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ کیا سپہ سالار بہادر کا اشارہ میری طرف ہے؟ ان سب کی طرف جو خیرات پر زندہ ہیں، بھکاری ہیں۔ اور ان کے لیے کیا حکم ہے جو میری طرح دیکھنے میں تو بھکاری نہیں مگر ان کا ہاتھ ہمیشہ دوسروں کے سامنے پھیلا رہتا ہے؟ جی ہاں، یہ تو وہی آواز ہے جو آج سے 50 سال پہلے انصاف کے لیے بلند کی گئی تھی۔ کیا زنگارو ابھی تک زندہ ہے؟ ارے یہ تو زنگارو ہے۔ ہاں پھر کہاں سے آ گیا؟ جب بھی ریاست پر خوف کے بادل منڈلاتے ہیں یا ظلم کی آندھی ریاست کو برباد کرنے کے لیے اپنا سر اٹھاتی ہے تو انصاف اور غریبوں کی طرف سے ایک نہ ایک زنگارو پیدا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس وقت بھی ایک انسان انسانیت کو بھول کر لالچ اور ہوس کے چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ اس کے فریب سے دور رہیے، چندہ ہرگز مت دیجیے، ورنہ اس ظالم غدار کا ہاتھ اور مضبوط ہو جائے گا اور اس کے ظلم کی انتہا نہیں رہے گا۔ کون ہو تم؟ کیا بکتے ہو؟ کس کے لیے کہہ رہے ہو؟ سپہ سالار جابر، میرا اشارہ آپ ہی کی طرف، تمہیں لالچ اور ہوس نے اندھا بنا دیا ہے۔ تم ریایا کو دھوکہ دے کر لوٹ رہے ہو، مگر یاد رکھو جابر، برائی کے 3 طبقے ہوتے ہیں اور میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، یہ پہلا طبقہ ہے، برائی سے باز آؤ۔ اس نقاب کی آڑ میں مجھے فساد چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سپاہیوں پکڑ لو غدار کو۔ جانتے نہیں یہ سپاہ سالار جابر کا حکم ہے؟ اے بوڑھے تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ نکالو نظر آنا، میں کہتا ہوں نکالو جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ حضور میں تو غریب ہوں، میں بھلا آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو اپاہج ہوں۔ اپاہج؟ تو پھر تمہیں زندہ رہنے کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے یاد فرمایا خان مصطفیٰ شہزادی سے ملنے کے لیے یہاں آنے والے ہیں، یہ خبر سنی تم نے؟ سنی اعلی حضرت، خان مصطفیٰ کو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے۔ مگر حضور وہ تو شہزادی کے منگیتر ہیں، بچپن کا رشتہ ہے۔ بے وقوف، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ سمجھ گیا حضور، خان مصطفیٰ یہاں نہیں پہنچ پائیں گے، ان کا راستے ہی میں۔ نجومی کا کہنا ہے یہ زمانہ خون خرابے کے لیے اچھا نہیں، افضل خان تم جا سکتے ہو۔ سبا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خان مصطفیٰ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے، اپنے راستے کا کانٹا دور کرنا چاہتے ہو؟ یقین رکھو تمہارے شہزادی کو ملکہ بنانے کے خواب کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ سبا جابر، میں تمہیں اچھی طرح سمجھتے ہوں، مگر یاد رکھو میرا نام سبا ہے، تھندی نرم جس سے مٹھی میں کبھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ سبا تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ جس روز تخت و تاج میرے قبضے میں آ جائے گا، میری ملکہ تمہیں بناؤں گی۔ تو پھر خان مصطفیٰ کو قتل کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اس کے آنے سے شہزادی کو ایک نئی مدد مل جائے گی اور ہمارے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تم نے کبھی خان مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر یہ نتیجہ کیسے نکالا؟ اکثر رئیس اور شہزادے نکمے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے خان مصطفیٰ بھی نکما، بزدل اور بیکار آدمی ہو۔ ہو سکتا ہے۔ پھر ایسے آدمی کا خون اپنے سر پر لینے سے کیا فائدہ؟ سبا تم بہت سمجھدار عورت ہو۔ سمجھدار ہوں اس لیے تمہیں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ Thank you.
भूले, हमारे जिस्म से बदबूए पसीना आ रही है, लिहाजा हम गुसल करेंगे। हमारा टोपा समा दो।
चमन है तवाशिकन तवाशिकन। ईद मुबारक। कमाल करते हैं, ईद गए हुए 2 महीने हो गए। तो क्या हुआ, हम आज ही तो मिले हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तेरा हाथ हमेशा भारी भरकम चीज पर पड़ता है। क्या बात करते हैं हुजूर, मैं भी कुछ आपसे कम नहीं, मेरा भी हाथ भारी भरकम थैली पर पड़ता है। अबे ना माकूल, ये मेरी थैली है। हुजूर माफ करना, गलत जगह हाथ पड़ गया। जाओ, माफ किया। गुलगुले, ये क्या बदतमीजी है? ओ हुजूर, रास्ता बंद। बड़ा अजीब शहर है, बीच शहर में शहजादों का रास्ता रोक दिया जाता है। मालूम होता है यहाँ के लोगों को मेहमानों की कदर नहीं है। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ। आप इन्हें नहीं जानते, हारून रशीद के छोटे खलीफा। खूब, बहुत खूब, बहुत जल्दी पहचाना आपने। लेकिन आपकी तारीफ है, आप तो कमाल करते हैं, जमीन और आसमान के बीच में एक ही तो है। अच्छा, अरे आपके बाप दादा इनके बाप दादा को खैरात दिया करते थे और मैं उसमें से कुरचन खाता था। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदमी अच्छा मालूम होता है। तो खलीफा इन्हें साफ कर दे। इन्हें नहीं, इनका रास्ता साफ कर दो। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आइए गुलगुले, जल्दी देखो क्या साफ कर रहे हैं। हुजूर रास्ता साफ कर रहे हैं। अच्छा, चलो चलो, जा 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 जा। शाबाश शाबाश, अब खलीफा का तमाशा देखो। शाबाश, हाँ खलीफा, शाबाश, हाँ, जोर और जरा जोर से। अल मदा, अल मदा। साफ हो गया। खूब रुस्तम और असफन बिहार के खानदान से मालूम होते हो। वल्लाह हम तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत खुश हुए। हुजूर, हम मजदूर नहीं, खानदानी फकीर हैं। गुलफाम शहजादे को वापस कर दो। बहुत अच्छा। वल्लाह क्या तेवर है, हम बहुत खुश हुए। वाकई हम बहुत खुश हुए, ईमान से हम बहुत खुश हुए। हुजूर आपकी थैली। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों बे, इनके पैसे वापस कर दिए? जी नहीं, थैली वापस कर दी। शागिर किसका हूँ खलीफा, ये देख लीजिए,
बागब्बा मुलाहिजा होशियार, तशरीफ लाते हैं खान मुस्तफा बिन खान बिन खान इर्दगा। हम आ गए, आप हमारे बाप दादाओं का लोबान न जलाइए। खुश आमदेद खान मुस्तफा, आइए कदम रंजा फरमाइए। मुअज्जज हाजरीन, आपके सामने मोहतरम शहजादी के होने वाले दूल्हा खान मुस्तफा जलवा अफरोज हैं। सरे तस्लीम खम कीजिए। बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी हस्तियां मौजूद हैं। हम तो समझ रहे थे हमारे अब्बा हुजूर की तरह आप सब अल्लाह को प्यारे हो गए हो। नहीं हुए, बड़ी बेशरम हड्डी है। पीरी टोपी, कोथमीर का कट्टा, आप भी यहाँ मौजूद हैं। क्या अर्ज करें खान मुस्तफा, बेहया जिंदगी पे हमारा कोई इख्तियार नहीं। आप बजा फरमाते हैं, हम भी खुदकुशी के खिलाफ हैं। आप तशरीफ रखिए, अब रख भी दीजिए। खोचू खोचू मेरी प्यारी शहजादी, आपके मिजाज कैसे हैं? अच्छे हैं। ये जानकर हम बहुत खुश हैं। वाकई हम समझ गए। हाजरीन, मुझे यकीन है कि आप लोग खान मुस्तफा से मिलकर बहुत खुश हुए होंगे। अब असली कार्रवाई शुरू की जाती है ताकि खान मुस्तफा भी जान जाएं कि हम लोग किन किन मुसीबतों के शिकार हैं। हम जरूर जानना चाहेंगे और अगर हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम मर्दानगी के साथ पीछे हट जाएंगे। सुल्तान की रिहाई के लिए बहुत से रुपए की जरूरत है। चूंकि रियाया दुश्मनों के भड़काने में आ गई है इसलिए चंदा इकट्ठा नहीं हो सका। मैं आज इस दरबार के उमरा और वुजरा से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस नेक काम के लिए जो भी मदद हो सके करें। अब्बा जान की रिहाई के लिए मेरी तरफ से ये कबूल फरमाइए। शहजादी, यकीन मानिए कि आपकी ये सखावत राया की आंखें खोल देगी। वाह, आफरीन है शहजादी, आफरीन है। हम भी अपनी सबसे कीमती चीज देंगे। देखिए क्या उम्दा चीज है। लीजिए आप भी नोश। अच्छी कमबख्त इतनी तेज होगी ये हमें भी नहायत खुशी की बात है कि खान मुस्तफा आज यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि उस काफले की हिफाजत के लिए जाएं जो सुल्तान के लिए रुपया और जेवरात लेकर जा रहा है। नहीं नहीं सिपाही सालार बहादुर, आप हमें ये घसीटन में न डालिए। खून खराबे से हमें बड़ी उलझन होती है। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो आप हमारी ये खानदानी तलवार ले जाइए, इसने बड़े बड़े मार दिए हैं। मैदान ये लीजिए लीजिए। हमारे रंगीले और बहादुर शहजादे, इस खून खराबे में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ये क्या कम फख्र की बात है कि वो अपनी खानदानी तलवार हमें दे रहे हैं। हम इसे जरूर। सिपाही सालार बहादुर,
इसकी जाहिरी सूरत पर ना जाइए। जिस तरह बहुत से लोग देखने में शरीफ लगते हैं मगर दरअसल पाजी होते हैं, इसी तरह ये तलवार भी सूरत के लिहाज से कुछ नहीं मगर ऐसे बहुत पाजी है। ये देखिए। क्यों सिपे सालार बहादुर, कैसा रंग जमाया, मान गए ना? पहली बार मालूम हुआ बोलते भी हो और बेवकूफ से। खान मुस्तफा तुम्हें बनाता रहा और तुम मेरी जान जल्दबाजी से काम ना लो, तेल देखो तेल की धार देखो। या खान मुस्तफा की तलवार की धार देखूं? खान मुस्तफा कल का छोकरा है, मैं चाहूं तो उसे मसल के रख दूं लेकिन तुम मेरी चाल नहीं समझ सकोगे। खुद इस तरह बेवकूफ बनने में क्या चाल है, ये जरा हमें भी समझाओ। मैं उस पर ये जाहिर करना चाहता हूं कि उसकी तरह मैं भी अहमक हूं, लेकिन यकीन रखो मौका आने पर मैं उसे शतरंज के पिटे हुए मोहरे की तरह उठा के फेंक दूंगा। अलबत्ता मैं तुम्हारा शुक्रिया जरूर अदा करता हूँ। किस बात के लिए? इसलिए कि अगर तुम उस दिन ना रोकती तो ये चूहा खाम खा मेरे हाथों से मारा जाता। सबा तुम बहुत समझदार औरत हो। समझदार हूँ इसलिए। बस बस मैं समझ गया, हमारे जाने की तैयारी करो। कहाँ जा रहे हैं? बादशाह की रिहाई के लिए जो चंदा इकट्ठा किया है उसे ठिकाने लगाना है, समझ गई ना? बिल्कुल सालार बहादुर, बस आप ही की कमी थी, तुम्हारी शामत तुम्हें यहाँ खींच लाई है। शामत नहीं, आपकी मोहब्बत। सालार बहादुर आ गए होश ठिकाने पर, तशरीफ ले चलिए चलिए। आ,
आदमियों को हुक्म दीजिए, जो चंदा इकट्ठा किया गया है वो सब मेरे हवाले कर दिया जाए। मगर ये तो सुल्तान की रिहाई के लिए है। आप बेफिक्र रहिए, चंदा अपनी असली जगह पर पहुंच जाएगा, जल्दी कीजिए। कहाँ मर गए थे सब लोग? पीछा करो कमबख्त का, भागने ना पाए। कमजोर हो जाए तो रियाया भी निडर हो जाती। तुम क्या हमें कमजोर समझते हो? हम तुम्हें अभी गिरफ्तार करा सकते हैं। क्या मजे की बात, जिन्हें गिरफ्तार कराना चाहिए वो आजाद है, और जिन्हें आजाद रहना चाहिए उन्हें आप गिरफ्तार कराना चाहते हैं। तुम्हें क्यों आजाद रहना चाहिए? इसलिए कि दूसरों की ख्वाबगाह में बेरोक टोक चले आओ? हुजूर को अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज नहीं। ये सब तो हमने सुल्तान की रिहाई के चंदे में दिया था, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? हवा में उड़कर। हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक नहीं, मैं आपसे सच कह रहा हूँ शहजादे, अगर यही हालत रही तो एक दिन पूरी हुकूमत हवा में उड़ जाएगी, जिसे मैं बचाना चाहता हूँ। इसका सबूत ये लीजिए आपके जेवर। गुस्ताखी माफ, अमानत में खयानत करना चाहता हूँ। हमारे बाले ले जाने का तुम्हें कोई हक नहीं। हक चाहता हूँ, इसके बदले में ये लीजिए, जब कभी खादिम की जरूरत महसूस हो अपने साथ ये निशान लेकर बनने की सराय में तशरीफ ले आइएगा। खुदा हाफिज। माफ कीजिएगा सिपाही सालार बहादुर, हम शिरकत कर सकते हैं? गुलगुले हमारे साथ आओ। आइए आइए खान मुस्तफा, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त आपके दीदार हुए। अच्छा, मगर हम तो अपनी खुशनसीबी समझ रहे थे, आपके जवान तो कमाल के शमशीर जन हैं,
तलवार इस तेजी से चलाते हैं कि नजर हैरान होकर इधर उधर ढूंढने लगती है। मैं आऊं? जरूर आइए, आपकी आमद हमारे सर आंखों पर। गुलगुले तैयार। ये क्या खान मुस्तफा, आप बाजे गाजे के साथ शमशीर जनी करेंगे? सिपहसालार बहादुर, शमशीर जनी के लिए सास की संगत कमाल की चीज है, और बंदे की जिंदगी में शमशीर का दूसरा नाम सास है, और सास का दूसरा नाम शमशीर है। आइए खान मुस्तफा। हम यहाँ हैं। सालार बहादुर, जरा आहिस्ता, आपका ये दाव हमारी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से। इसी पे सालार बहादुर, हम तो अटक गए। कहाँ है आप? कहाँ है खान मुस्तफा? ये क्या मजाक लगा रखा है? तैयार हो ना। ऐसे पैसा लाल बहादुर, आप बादाम का शरबत पियेंगे? हम गिर जाएंगे। सिपे सालार बहादुर, आप वहां क्या कर रहे हैं? हम अभी हाजिर होते हैं। माफ कीजिएगा सिपे सालार बहादुर, आज की शमशीर जनी खत्म। बहुत देर तक लड़ने से हमारे बाजू दुखने लगते हैं। ये लीजिए, दिमाग हल्का कर देती है। ये और आपके पास? चाहे तो आप रख सकते हैं। जिंगारू रात को हमारे कमरे में फेंक गया, जब वो दरीचे से झांक रहा था। हम उस वक्त मियाँ का मल्हार गा रहे थे, उसने खुश होकर हमें ये इनाम में दे दिया। हमने जिंगारू से कहा, जब तुम अगली बार आओगे तो हम तुम्हें मियाँ की टोरी सुनाएंगे। और हाँ, उसने ये भी कहा है कि ये बुराई का दूसरा तबका है, अब भी बाज आओ। आप कुछ समझे हैं? आप इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं घूर घूर के? शहजादी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या इस महल में ऐसा भी कुछ होने लगा है जो मुझसे छुपाया जाता है? ये जेवरात आपके पास कैसे आए? सिपहसालार, क्या हमारी हुकूमत में कुछ ऐसा भी होने लगा जो हमसे छुपाया जाता है? जिंगारू के पास ये जेवर कैसे पहुँचे? वो बदमाश धोखे से लूट कर ले गया था। ये बात हमें क्यों नहीं बताई गई? इसलिए कि मैं आपको जहमत देना नहीं चाहता था। मुझे यकीन था कि हम जिंगारो गिरफ्तार कर लेंगे और जेवरात वापस ले आएंगे। जरूर कीजिए, वो हमारे बाले देकर नहीं गया। बाले? हाँ, बाले अभी तक उसके पास है। कहता था बालों को वो हमारी निशानी समझ कर रखेगा। उस बदमाश की ये हिम्मत, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सालार बहादुर, आप किसकी जान लेने का इरादा है? आप सुनेंगे तो खून सूख जाएगा आपका।
हमारा खून, हमारा खून क्यों सुखाती हैं आप? लीला हमें बताइए ना, ये किसे मार डालने की बातें हो रही हैं? अगर अगर उसका कोई रोने वाला ना हो तो हम आंसू बहाएंगे उसकी मौत पर। तो बिस्मिल्ला कीजिए, वो जिंगारो है। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। शहजादी, 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 आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? हमारा दिल बैठ जाता है। आपका दिल तो हमेशा ही बैठा रहता है। इसीलिए तो हम आपके पास आते हैं, ताकि हमारे दिल को ताकत मिले, ताजगी मिले, हरारत मिले और मोहब्बत मिले। चुप शहजादी, चुप, चुप। बदतमीज, तुम भी चुप बोलते हो, वो भी चुप बोलती है। गुलगुले, क्या इस शहर में यही एक तफरीका है? ढीकी ढीकी, ढीकी ढीकी, ढीकी ढीकी। मगर गुलगुले तुम्हारी ढीकी ढीकी बड़ी फीकी फीकी सी है। यहाँ एक रक्कासा है। अच्छा? बहुत अच्छा नाचती है, लेकिन नकाब पोस है। हम समझ गए, उसकी शक्ल हमसे मिलती जुलती होगी। जी हुजूर।
زنگارو اگر مرد کا بچہ ہے تو بھرے دربار میں شہزادی کے بالے واپس کر کے جائے سنا ہے زنگارو سرائے میں اکثر بیش بدل کر آتا ہے ارے وہ دیکھو وہ کیا ہے یہ کام ہارون کے سپرد کیا جاتا ہے سپہ سالار جابر کو اطلاع کر دیں زنگارو کل برے دربار میں شہزادی کے بالے واپس کرنے آئے گا Thank you.
बदमाश भाग ना पाए। खुदा नहीं सनम नहीं मगर किसी से कम नहीं। हाँ तू है पैसा तेरी ताकत को सभी जान गए। जो खुदा को भी न माने वो तुझे मान गए। अरे अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। भाई नाज ना दिखाओ अंदाज ना दिखाओ, नाज ना दिखाओ अंदाज ना दिखाओ। अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। तेरी झनकार नरम तेरा बाजार गरम, शोर में जोर तेरा ठनठना ठन की कसम, शोर में जोर तेरा ठनठना ठन की कसम। अपना जलवा तो दिखा है तेरे दीवाने हैं हम, वो जिस पे हो तेरी नजर उस पे मौला का करम। सुन के हंगामा तेरा, सुन के हंगामा तेरा, चुप हुए देर हरम। बस अपना खुदा तू ही, बस अपना तू ही, बस अपना खुदा तू ही, बस अपना सनम। ओ अल्लाह, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। झनकार सब समझते हैं तू सभी की जबान है प्यारे। सिर्फ मजनू था आशिके लैला, तेरा आशिक जहान है प्यारे। आए तेरा आशिक जहान है प्यारे, तेरा आशिक जहान है प्यारे। तुझ पे आता नहीं बुढ़ापा भी, तू हमेशा जवान है प्यारे। अरे तू हमेशा जवान है प्यारे। तुझमें कोई कमी नहीं लेकिन, तुझमें कोई कमी नहीं लेकिन, अरे तुझमें कोई कमी नहीं लेकिन। हाँ जरा बेईमान है प्यारे, जरा बेईमान है प्यारे प्यारे। अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चम से चले आओ। रियासत को रुपए की इतनी सख्त जरूरत है और यहाँ इस तरह बर्बाद किया जा रहा है, हट्टे कट्टे फकीरों में बांटा जा रहा है, छीन लो इनसे। ए बच्चे लाओ तुम भी अपना रुपया इधर लाओ, जल्दी लाओ, कुचल डालो इस चूहे को, भागने ना पाए। जाओ Thank you.
तारीफ करूं उसकी, बस आंधी की तरह आया और बगुली की तरह निकल गया। सरकार बिजली थी बिजली, मैं तो समझी बच्चा गया जान। सुभान अल्लाह, क्या जोर, क्या फुर्ती, क्या चालाकी थी। सरकार, ऐसे इंसान रोज रोज कहाँ पैदा होते हैं, हजारों लाखों साल में कोई एक वजूद में आता है। ये किसकी तारीफ में जमीन और आसमान के खुलाबे मिलाए जा रहे हैं? आपके दुश्मन की? ये सब आपकी बदौलत है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि उसकी गिरफ्तारी का फरमान जारी करूँ। क्या फरमान चाहिए आपको? आवाम के बच्चे बच्चे को आगाह कर दिया जाए कि जिंगारो जहाँ मिले उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसकी टिक्का बोटी कर दी जाए, उसे जमीन में गाड़ दिया जाए। हाय हाय, सपेसालार बहादुर, फिर वही खून खराबा की बातें कर रहे हैं आप। आदावर शहजादी साहिबा, आदावर चाचा जान, आदावर। हाँ तो किसे जमीन में गाड़ा जा रहा था? जिंगारो को। हमें ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। उससे पैसा लार बहादुर, न जाने जब कभी हम उस कमबख्त का नाम सुनते हैं हमें क्यों बुखार आने लगता है। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सिंगारो सिंगारो ऐसी हरकतें करते हमें शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म तो हमें बहुत आती है शहजादी, मगर ये आदमी ही खराब है जिसका आप सब नाम ले रहे हैं। कोई नाच हो, गाना हो, राग रंग की महफिल हो, भला ये भी कोई बात? निकाब आंखों पर लगाया और शमशीर हाथ में लेकर सामने आ गई। चुप रहिए, आप कैसे मैथे जो उसे डरते हैं। शहजादी शहजादी, मर्द तो हम भी है शहजादी, मगर ऐसे भी क्या मर्दानी जब देखो तलवार घुमा रहे हैं, और फिर जब आप सामने हो तो तलवार चलाने की जरूरत ही क्या है, नजर का तीर ही काफी। शहजादी तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर गए हम। क्या करे क्या करे क्या करे, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। सारा जमाना लिए साथ चले, जुल्फों में लेके काली रात चले, सारा जमाना लिए साथ चले। ऐसे में जीने का मजा है सनम, आंखों से तेरी मेरी बात चले। बेवफा एक निगाह देख ले देख भी ले, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। वल्ला बेघर हूँ बेनाम हूँ मैं, दिल ने जो भेजा वो सलाम हूँ मैं। साथी की जिस पे नजर ना हुई, ऐसा ही प्यासा एक जाम हूँ मैं। बेबाबा एक निगाह देख ले देखे, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम, बाकी अदाओं पे मर मर गए हम।
जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, तेरी अदा का तो जवाब नहीं, मेरी वफा का भी हिसाब नहीं, सूरत तुम्हारी बड़ी खूब सही, दिल तो हमारा भी खराब नहीं, बेवफा एक निगाह देख भी ले, तेरी निगाहों पे मरमर गए हम, बाकी अदाओं पे मरमर गए, क्या करे क्या करे क्या करे, तेरी निगाहों पे मरमर गए हम, बाकी अदाओं पे मरमर गए हम। शहजादी जरा हम भी तो सुने, तोता क्या कहता था? यही कि आपका दिमाग जिंगारो ही ठीक कर सकता है। जिंगारो? शहजादी जिंगारो का नाम हमारे सामने न लीजिए, उसका नाम सुनते ही हमें पसीना आने लगता है, बड़ी गर्मी है यहाँ, जिंगारो। शहजादी आपने हमें याद किया, कौन सतारा था, हम अभी उसकी खबर लेते हैं। नहीं नहीं सुनिए। अरे अरे कौन है भाई, कौन है? जिंगारो, जिंगारो छोड़ दो हमें, देखो जिंगारो शहजादी के सामने हमारा मजाक ना उड़ाओ, जिंगारो जिंगारो जिंगारो, देखो जिंगारो अगर तुमने हमें मारा ना तो हम अदरक के पानी में डामर मिला के तुम्हारी नाक पे लगा देंगे। अरे अरे जिंगारो आए, जिंगारो जिंगारो हमें ना मारो, जिंगारो हमें ना मारो, वल्लाह रेशमी बदन है हमारा जिंगारो, आए आए। अरे जिंगारो भागो भागो यहाँ से, जिंगारो भाग गया डरपोक कहीं का, लेकिन मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। कहाँ भाग के जाता गुलगुले, गुलगुले शहजादी तू छुपी है कहाँ शहजादी, कहाँ गया वो डरपोक शहजादा? शहजादी उसकी वजह से आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा? नहीं। मगर वो गया कहाँ, मैं अभी देखता हूँ। क्या समझता है अपने आप को नामाकुल? अल्लाह जिंगारो ऐसा ना कहो, हम बहुत शरीफ इंसानों में से हैं। ठहर जा, अभी निकालता हूँ तेरी शराफत। जिंगारो अगर शराफत निकल गई तो क्या रह जाएगा हमारे पास? जिंगारो ये क्या मर रहे हो? अरे जिंगारो हमारी जुल्फों से न खेलो, जिंगारो क्या बुरा वक्त पड़ा है हम पर, हमारी तलवार काबू में नहीं आ रही, शहजादी अगर एक बार हमारी तलवार बाहर आ जाए तो हम अपने टुकड़े टुकड़े कर दें। क्या कहा? मतलब जिंगारो के टुकड़े टुकड़े कर दें। शहजादी हमारी तलवार बाहर आ गई है, कहाँ है वो, कहाँ? तो हम यहाँ जाते फिर निकल गया वो मेरे हाथ, मगर आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, सुरमा बना दूं, तलवार की धमकी देता है, कहाँ गया वो बदमाश, चाहे हमारी जान भी चली जाए लेकिन हम मुकाबले से बाहर नहीं आएंगे। जालिम इतनी जोर से जवाबी हमला ना कर, हाय हाय मार डाला जालिम ने हमें, अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं, हाय हाय। हाय अल्लाह ये तो बेहोश हो गए, सिंगारों को इतना नहीं मारना चाहिए था, आखिर ये मेरे मंगेतर हैं। शुक्रिया शहजादी आपको हमारा इतना ख्याल है। खुश आमदेद,
خوش آمدید السلام علیکم وعلیکم السلام خدمت کار भी हाजिर होते हैं آمدید شہزادی صاحبہ ہم نے سنا تھا بہادر آدمی نہیں ہوتا مگر تم نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا شہزادی صاحبہ آپ غصے میں بہت حسین دکھائی دیتی ہیں کیا یہ درست نہیں کہ تم اعلیٰ حضرت کی رہائی کے خلاف ہو ریاست میں فتنہ فساد پھیلاتے ہو اور ہماری حکومت میں لوٹ مار کرتے ہو سرکار بات کرتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم فضول اور بےہودہ باتیں سننے کے لیے نہیں آئے جھوٹ اچھی باتوں کے لیے برا لفظ استعمال نہیں کرتے آپ تو جانتی ہیں کہ خادم آپ کا غلام مگر بھلا ہو جاتے جس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا رکھا آج معلوم ہوا نہیں جھوٹے بھی ہو ہم نے جو ابا جان کی رہائی کے لیے روپیہ اکٹھا کیا تھا وہ تم سب لوٹ کر لے گئے یہی ثبوت ہے تمہاری وفاداری کا تمہاری دوستی کا وقت کا انتظار کیجیے میں آپ کا دشمن ہوں یا دوست یہ ثبوت بہت جلد مل جائے گا شبنم فوراً تیار ہو جاؤ اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں رہیں گے کیوں ابا جان جس چیز کا مجھے ہمیشہ سے ڈر تھا آج وہ میرے سامنے آ گئی ابھی ابھی شہزادی یہاں آئی تھی اور وہ جس لیے یہاں آئی تھی وہی سبب ان کو پھر یہاں لائے گا میں نہیں چاہتا کہ تم اور شہزادی کبھی ایک جگہ یہ تم خوب اچھی طرح جان لیں مگر ابا جان یہ سوچنے کا وقت نہیں تمہیں یہاں سے دور بہت دور چلا جانا چاہیے تم روانگی کی تیاری کرو میں بھی آتا شبنم عمر شبنم میرے تمہارے درمیان پہلے ہی اتنا فاصلہ ہے کہ آنکھیں دیدار کو ترستی ہیں کیا کیا اب تم اتنی دور چلی جاؤ گی کہ میں تمہارا تصور بھی نہ کر سکوں گا میں مجبور ہوں میں ابا جان کا یہی فیصلہ ہے میں یہ فاصلہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں جانے دوں گا میں اپنی محبت کو محرومیوں کا شکار نہیں بننے دوں گا میں وہ سب ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور لے جانا چاہتا ہے عمر تمہاری صورت کی دوسری لڑکی اب اس ریاست میں نہیں رہے گی عمر نہیں رہے گی عمر عمر ہمشیرہ خاموش پیا دست سپاہی آر شہزادی کو لیے جا رہا ہے گلفان جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا کیا ہوا استاد جابر کے آدمیوں نے شبنم کو شہزادی سمجھ لیا یہ تو غضب ہو گیا استاد آپ ان سے نپٹ لیجئے میں شبنم کو لے کر رفو چکر ہو جاتا ہوں جاؤ
शहजादी को लेकर गायब हो गया। क्या पत्ते हो? बिल्कुल मेरे सामने की बात है सरकार। मालूम होता है तुम नशे में हो। बिल्कुल होश में हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो शहजादी को ले जा रहा था। तुमने क्या देखा? यही हुजूर। बेवकूफ, शहजादी अपने महल में है, हम उससे अभी अभी मिलकर आ रहे हैं। जाओ, आइंदा हमारे सामने कभी पीकर मत आना। जाओ। तुम किसी दिन बादशाह बन गए तो बहुत जल्द तक से उतार दिए जाओगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे अंदर बादशाह वाली संजीदगी नहीं, हमेशा जल्दबाजी से काम लेते हो। अफजल खान ने जो कहा उस पर गौर करना चाहिए था। सिवाय हमारे तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद है दरबार में, ये खादिम भी आदाब बजा रहा है। सालार बहादुर आदाबर्ज है, हमारी प्यारी शहजादी आदाबर्ज, और आपको भी। इनके मुखड़े पर से हमारा आंचल हटा दो। आदाबर्ज। मोहतरम शहजादी साहिबा की खिदमत में एक शोभदेबाज रसाई चाहता है। हे, देखो रब का जादू, आबरा का डाबरा, छू मंतर छू, देखो मेरा जादू। हे, हे। मर बे हया, मर बे हया, वाह 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 वाह। गुलगुले बंदा परवर, हम भी सीखेंगे। हाँ हुजूर, सिखा देंगे। आदमी हो, शहजादी पर पानी फेंकते हो। अगर हमारी शहजादी भीग जाती और जुकाम हो जाता तो। अच्छा, ले जाओ इस बदमाश को जंजीरों में जकड़ दो। ले जा। तुम एक जलील जादूगर बनकर दरबार में तमाशा दिखाने के लिए आए। मैं पूछता हूं, तुमने तजाद क्यों फेंका? क्यों तुमने शहजादी का चेहरा बिगाड़ना चाहो? जवाब दो, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। उल्फत के परवानों, जिंदगी और मौत की कोई परवाह नहीं। मेरे पास तुम्हें बुलवाने के लिए और भी तरीके हैं, मैं देखता हूं तुम कैसे नहीं बोलते। जल्लाद। मुझे मालूम है ये काम तुमसे जिंगारों ने करवाया है। कहां है जिंगारों? बुलाते क्यों नहीं उसे मदद के लिए? जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सालार बहादुर, आपने मुझे याद फरमाया। बंदा हाजिर। कम
जी खाक साहब, कहिए क्या खिदमत कर रहे हैं? अभी बताता हूँ, गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ जिंगारो, बहुत तारीफ सुनी थी तुम्हारी बहादुरी। हमें मालूम नहीं था कि तुम इतने बुजदिल हो कि हमारा ही सहारा लेके हमारे सिपाहियों से लड़ना चाहते हो। बैठेंगे दीवाने दो। अरे नामाकूल, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आप लोग अंदर क्या कर रहे हैं? अरे हम कुछ भी कर रहे हैं, तुम दरवाजा खोलो। अरे खोलो खोलो खोलो। अरे अरे करे आहिस्ता आहिस्ता। पानी लाओ। उमर, ये तुमने क्या किया? आखिर वो कौन सी बात थी जिसने तुम्हें शहजादी का चेहरा बिगाड़ने पर मजबूर कर दिया? क्यों तहजाब फेंका तुमने उसके ऊपर? जवाब दो उमर, खामोश न रहो। आखिर वो कौन सा राज है जिसे तुम छुपाना चाहते हो? तुम लोग बाहर जाओ। अगर तुम्हारे सिवा ये राज कोई और पूछता तो मैं जिंदगी भर नहीं बताता। मगर वो राज क्या? मोहब्बत। मोहब्बत शहजादी से? नहीं, उस सालिम से जिसकी सूरत शहजादी से मिलती है। वो कौन? शबनम। शबनम? हाँ, और यही वजह है हारून उसकी सूरत हमेशा नकाब में छुपाए रखता है। क्यों 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 आखिर क्यों? समझ में नहीं आता कि वो शहजादी का चेहरा क्यों बिगाड़ना चाहता था। क्या फायदा था उसे ऐसा करने में? कभी कभी तुम पर तरस आता है जाबर, आखिर क्यों दिमाग से काम लेने की कोशिश नहीं करते? क्या मतलब? तुम्हें अफजल खान की बात याद नहीं? हारून के साथ उसने एक लड़की देखी थी जिसे वो शहजादी समझा था। ये उसका वहम था। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले वहम नहीं था तो क्या नतीजे निकल सकता है? यही के सराय में जरूर कोई ऐसी लड़की है जिसकी सूरत शहजादी से मिलती है। और वो शहजादी नहीं थी,
इसलिए कि शहजादी उस वक्त महल के अंदर मौजूद थी, तुम खुद उसे मिलकर आए थे। बिल्कुल सही है। इसलिए तुम्हें फौरन सराय की तलाशी करानी चाहिए। क्यों? शायद हमारी कामयाबी का राज वहाँ बंद है। उस लड़की को तुम्हारे सामने पेश होना चाहिए। क्यों? अगर उसकी सूरत वाकई शहजादी से मिलती है तो कामयाबी यूं हमारा कदम चूमेगी। सबा, तुम बहुत समझदार औरत हो। समझदार हूँ, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह समझती हूं। अफजल खान, छोड़ दो मुझे। चोर डाकू, फंदे भेड़िए, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अल्लू के बच्चे। खामोश लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो मुझे पूछने वाले? किसके हुक्म से मुझे यहाँ लाए हो? लड़की अदब से बात करो। उनसे फैसला जाबिर के सामने बात करो। सालार हो गए तो अपने घर के, मुझसे क्या? बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही रूप रंग, हूबहू शहजादी। कौन शहजादी? किसके बारे में कह रहे हो तुम? लड़की, हम तुम्हें इस रियासत की मलका बनाना चाहते हैं। मुझे मलका नहीं बनना है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जिद मत करो, अपनी किस्मत पे नाज करो। जिंदगी तुम पे मेहरबान हुआ चाहती है। मगर क्यों, क्यों मुझे मलका बनाना चाहते हो? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम सिर्फ इतना समझ लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मगर मुझे मलका बनने से इनकार है। लड़की, तुम्हारी जिंदगी हमारे हाथ में है। मुझे जिंदगी की कोई परवाह नहीं। तो क्या किसी और की जिंदगी की परवाह नहीं? और कौन? वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा। अब्बा जान। हाँ अब्बा जान, तुम बिल्कुल ठीक समझ गई। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो यकीनन ऐसा नहीं होगा। बोलो बोलो, मंजूर है? बोलो बोलो, मंजूर है? चलो देखो, एक तरफ के तख्त है और दूसरी तरफ तुम्हारे अब्बा जान की सलामती। अफजल खान, आज शहजादी जब तफरी के लिए जाए तो उन्हें वापस नहीं लौटना चाहिए, और इस बात का पता सबा को बिल्कुल ना लगे। समझ गए? समझ गए हुजूर। समझी। समझी। वो क्या समझेगी? समझा तो मैं हूं।
क्या बात है? जिंगारों ने फिर बाजी चौपट कर दी और शहजादी को बचा कर ले गया। जिंगारो जिंगारो जिंगारो, तुम सब बुजदिल हो, डरपोक हो। जाबिर को तुम जैसे कायरों के सहारे की जरूरत नहीं। जाबिर हर शिकस्त को फतह में बदलने की ताकत खुद रखता है। जाओ, चले जाओ मेरे सामने से, जाओ। ले जाओ इसे और कल ताजपोशी से पहले खत्म कर। ले जाओ। हालत इतनी खराब हो गई है कि लोगों की बहू बेटियां घरों से गायब होने लगी। क्या किसी आदमी की इज्जत और आबरू सलामत नहीं रह सकती, वो भी हारून? मेरी शबनम गायब हो गई। मुझे मालूम है उसे जाबर के आदमी उठा ले गए। फूल भंवरे से और भी दूर। तुमने ये बात क्या समझकर कही? क्या मतलब है तुम्हारा? इस राज को राज ही रहने दो तो अच्छा। तुम्हारे सीने में यही एक राज है या और भी कुछ? जवाब दो उमा, क्या ये राज कोई और भी जानता है? खामोश क्यों हो, जवाब दो। एक और भी हस्ती है जिस राज को जानती है। कौन है वो उमा? खुदा के लिए बताओ कौन है वो? उमर, कौन है वो? जिंगारो, जिंगारो, जिंगारो। आहा, खलीफा हारून, खुशामदेद, खुशामदेद। राग रंग की महफिल में अगर आप ना हो तो बड़ी कमी महसूस हो जाती। कल रात इन्होंने बहुत डरावना ख्वाब देखा जिसका असर चेहरे पर अब तक है। यहाँ जो जिंगारू नहीं वो बाहर चला जाए। जिंगारू? तौबा तौबा खलीफा, ये किसका नाम ले दिया? रंग में भंग कर दी। हुजूर आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, मुझे भी आज रंग बेढब नजर आता है। खिसक चलिए। हाँ सरकार, फौरन चलिए। गुलगुले, आप दोनों बाहर जाओ, हम बाद में तशरीफ लाते हैं। हुजूर आ जाना। हुजूर मैं डरता किसी से नहीं, लेकिन ये बहुत तगड़ा है। चल बे। नहीं तुमने? मैं कहता हूं जो जिंगारू नहीं वो बाहर चला जाए। उल्टा कह रहे हो खलीफा, बल्कि यूं कहिए कि जो जिंगारू नहीं है वो अंदर आ जाए। नाच गाने की महफिल है, सीने में अरमान भरा दिल है, यही कहीं एक कातिल है जिसकी वजह से हर आशिक बिस्मिल है। बिस्मिल्लाह। हां मुस्तफा, ये मजाक का वक्त नहीं है। जान की अमान चाहते हो तो फौरन बाहर चले जाओ। मैं आखिरी बार कहता हूं। तुम आखिरी बार कहते हो तो मैं पहली बार कहता हूं। तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सामने। ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा खान मुस्तफा। अभी तुम हारून की कुव्वत बाजू से वाकिफ नहीं, उसके सामने शेरों का पित्ता पानी हो जाता है। और जिंगारों के डर से पानी बर्फ की तरह जम जाता है। तुम्हें अपनी कुव्वत बाजू पर नाज, तो जिंगारों के पास भी ये एक लोहे का टुकड़ा है जिसमें बिजली की चमक है। ये बात है। Thank you.
आदमी हो जो उस रोज मेरा दायां हाथ बनकर मेरी मदद के लिए आए थे? इसका जवाब ये अंगूठी। तो फिर बताओ मेरी बेटी कहाँ है? जिंगारू तुमने उसे क्यों गायब किया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने? मुझ पर क्यों शुबा हुआ तुम्हें? इसलिए कि तुम जानते हो कि वो शहजादी की हम शक्ल है, इसमें जरूर तुम्हारा हाथ। मुझे मालूम है तुम्हारी शहजादी से सासबाज है। मुझे अफसोस है खलीफा कि तुमने मेरे बारे में ऐसी राय कायम की। मुझे पहली बार तुम्हारी जबानी मालूम हुआ कि शबनम गायब, मगर मैं जानता हूं उसे कौन ले जा सकता है। कौन ले जा सकता है? जाबिर, जो मौके की तलाश में उस दिन का इंतजार कर रहा है जब मुझे और तुम्हें दोनों को कुचल। जाबिर? हाँ, मगर सब्र से काम लो। तुमने मुझे अपना दाया हाथ कहा, यकीन रखो कल शाम से पहले पहले शबनम तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। खुदा हाफिज। शहजादी साहिबा आपके लिए जेवरात हैं। शहजादी साहिबा आपके लिए पोशाक है, देखिए कितनी खूबसूरत है। शहजादी शहजादी शहजादी, चली जाओ मेरे सामने से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। तू सच कह रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? धोखेबाज? कहां गया वो धोखेबाज? कौन है वो मर्दूद धोखेबाज? शहजादी, अगर आप हमें उसका नाम बता दें तो फिर ये हमारी जुल्फकार तेग आबदार टुकड़े करेगी उसके बार बार। सुभान अल्लाह, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो कुछ भी हो, खुदा की कसम शहजादी, अगर तुम एक बार कह दो तो उस तोते का तंदूरी तोता बनाकर आपके सामने पेश कर दो। बदतमीज, हमारी शहजादी को धोखेबाज कह रहा है। शहजादे, कसूर उसका नहीं, मेरा है, मैं धोखेबाज हूँ। वाह 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 वाह, ये मजाक भी हमें बहुत पसंद आया। हम बहुत खुश हुए कि हमारी शहजादी मजाक भी करने लगी है। शहजादे, मामला बहुत संगीन है, गौर से सुनिए। सुनाइए। मजाक मत समझिए, अगर आपने बात को समझने की कोशिश न की तो बाजी आपकी और मेरे दोनों के हाथ से निकल जाएगी। निकल जाने दीजिए। खान मुस्तफा। शहजादी। मैं शहजादी नहीं, शबनम। जिस तरह जाबिर की चाल का शिकार और बहुत हैं, उसी तरह मैं भी हूँ। शहजादी उसके कैद में है और वो शहजादी की जगह मुझे तख्त पर बिठाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। शबनम, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, वाकई तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बस अब हमारा सिर्फ एक काम कर दो, तुमसे जितना हो सके उतना लंबा कर दो। क्या? ताजपोशी की रस्म को। उससे क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है, ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। होगा ना शबनम? माफ करना, तुम मेरा काम कर दोगी? क्या समझते हो शबनम को? अच्छा, तो तुम भी क्या समझती हो खान मुस्तफा को? ताजपोशी के इस मुबारक मौके पर मैं होने वाली मलका रियासत की तरफ से आप तमाम साहिबान को खुशामदीद कहता हूँ। शहजादी साहिबा, ताजपोशी मुबारक। बड़ी मिन्नतों, मुरादों और हजारों वादों की बात ये दिन नसीब हुआ है, मगर फूल बगैर भौरे के, चांद बगैर चकोर के, हुजूर खामखा बुरा मान गई। मेरी मुराद किसी दूसरे आदमी से नहीं, खान मुस्तफा से है। अपनी औकात मत भूलो, तुम इस रियासत की होने वाली मलका से बात कर रही हो। हुजूर भी एक मलका ही से बात कर रही है। आप इस रियासत की मलका है तो कनीज रक्स और सरूद की रियासत की मलका है। अगर आप समझती है आपका कोई जवाब नहीं तो मेरा भी कोई जवाब नहीं। तुम क्या समझती हो, ये फन तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं आता? हुजूर कोशिश फरमाएं ताकि मेरा शुबा भी हकीकत में बदल जाए। शबनम, इस बहस को नहीं खत्म कर दूं। Thank you.
देखो दिल की निशाना करे अपना ही दिल अनारी शिकार देखो दिल की निशाना करे अपना ही दिल शिकारी हो नजर की नजर से ले उड़ा लो तेरे मुखड़े का तिल अनारी है शिकारी देखो दिल की निशाना करे अपना ही दिल حاضرین دربار آج ہم بہت خوش ہیں کہ آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا ہم نہایت بے صبری سے انتظار کر رہے تھے مولوی صاحب رسم تاج پوشی ادا کی جائے حضور کچھ لوگ رسم تاج پوشی میں شریک ہونے کی اجازت چاہتے ہیں آنے دو
شہزادی حضور آپ کے بزرگوں نے پشتوں سے جو حقوق میرے خاندان کو عطا فرمائے ہیں ان کی روح سے میں آپ کو یہاں کا حکمران قرار دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کی حکومت میں رعایا ہمیشہ خوشحال و امن و امان کے ساتھ رہے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک ہو شہزادی صاحبہ حضرات اس تاج پوشی کے موقع پہ ایک اہم سوال درپیش ہے کیا ایک اصلی اور خوبصورت انگوٹھی میں ایک نقلی نگینہ اچھا لگتا ہے نہیں بالکل نہیں اسی طرح ایسی عقل مند اور خوبصورت ملکہ کے ساتھ ایک بیوقوف شوہر ہرگز زیب نہیں دیتا میں ملکہ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ خان مصطفیٰ کو اپنا شوہر قبول کرنے سے انکار کرتی ہیں اور وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس بھرے دربار میں وہ جسے بھی چاہیں اپنا شوہر قبول فرما سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میری وفاداری اور بہادری کو دیکھتے ہوئے ملکہ عالم مجھے ہی قبول فرمانا چاہتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری بہادری اور وفاداری کو دیکھ کر ملکہ عالم میرا ہی پیغام قبول فرمائیں گے شبنم یہ کیا کر رہی ہو شبنم شاباش تم نے دھوکے کا جواب دھوکے سے دیا ہے شبنم شبنم وہاں نہیں یہاں ہے جن کی آنکھیں بند ہیں وہ کھل جائے تو اچھا ہے وہ شہزادی صاحبہ ہے شبنم نہیں سمجھ گیا میں تو یہ بھی سن لو کہ یہ تلوار سبے سرار جابر کی ہے جابر اس ریاست کا بادشاہ ہے اگر کسی میں ہمت ہو تو آئے اور اس دعوے غلط ثابت کر دے سپہ سالار بہادر تلوار کا دھنی وہی ہو سکتا ہے جو تلوار سنبھال سکے سپاہیو پکڑ لو اسے جابر کو اتنا کمزور سمجھ رکھا ہے کہ اس کی جیتی ہوئی بازی تو اتنی آسانی سے الٹ دے گی دیکھ کون ہے یہ کون بیٹی بیٹی زوبی ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے اور یہ تمہارا باپ لیکن تم دونوں اس وقت تک نہیں مل سکتے جب تک کہ میں تخت پر بیٹھ جاؤں محلوں کے خواب دیکھ رہے ہو سپہ سالار بہادر یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور میرے ارادوں کو آپ کوئی نہیں بدل سکتا یہ بھی نہیں بدل سکتا اس کھلونے سے جابر کو ڈرانے کی کوشش مت کرو تم نے ابھی تک میری اصلی طاقت نہیں دیکھی بھلا یہ بوڑھا بہت جی چکا ہے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو آپ ایسا نہیں کر سکتے خدا کے لیے ایسا مت کرو سن لیا تم نے دیکھ لی میری طاقت پھینک دو اس کھلونے کو میں کہتا ہوں پھینک دو ورنہ
زنگارو پھینک دو اس تلوار کو میری خاطر اپنے سلطان کی خاطر جہاں تم نے اتنے احسان کیے ایک احسان اور کر دو لے لو مجھ پر ترس کو پھینک دو زنگارو پھینک دو میں تم سے بھیک مانگتی ہوں حکومت کی شطرنج اس طرح نہیں کھیلی جاتی اپنے آپ کو مضبوط سمجھنے والے مورے اسی طرح پیٹے جاتے ہیں اب میں اس غدار کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں سالار بہادر یہ برائی کا تیسرا اور آخری طبقہ ہے اس کے بعد بربادی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی سپہ سالار بہادر دیکھ لیا برائی کا انجام الوداع میری فتح کو شکست میں بدلنے والے نقاب پوش آخر کون ہو تم کون ہو تم یہ حسرت بھی پوری کر لو ہاں تم شہزادی صاحبہ کی خدمت میں بندہ آداب بدلاتا ہے تسلیم کس منہ سے میں تمہارا شکریہ ادا کروں آپ اسی منہ سے شکریہ ادا کیجیے مذاق مت کیجیے
तुमने हमें अब्बा हुजूर और रियासत को तबाही से बचा लिया। जी जी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया, और फिर आपके होने वाले शोहर के नाते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भरे दरबार में जिस खुशी के साथ आपने मुझे नवाजा था, क्या ये सब गलत था? वो तो एक मजबूरी थी, आप ही के मशवरे के मुताबिक जाबिर की साजिश को रोकने के लिए किया था। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी मंगनी खान मुस्तफा से हो चुकी है, और ये सब जानते हुए ऐसी बातें करना आप जैसे बहादुर को जेब नहीं देता। मेरे मोहसिन, एक एहसान मुझ पर और कर दीजिए ना। मैं समझ गया, अब मुझे अपने रकीब को भी ढूंढ कर लाना होगा। कोई बात नहीं शहजादी, आपके खातिर मुझे ये भी मंजूर है। आखिरी बार खुदा हाफिज। तेरी निगाहों पे मरमर गए हम, बाकी अदाओं पे मरमर गए हम, क्या करें